दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटे से प्लान की, जिसका साइज है 15x40, 15x40 फीट में आपको मकान डिजाइन करके दिया है। आप देख पा रहे होंगे यही पूरा डिजाइन है, बहुत ही बेहतरीन सा प्लान होने वाला है। यहाँ पर मैंने ग्राउंड फ्लोर बनाया है और फर्स्ट फ्लोर के लिए पूरा फाउंडेशन रेडी कर दिया है। तो ये जो प्लान है बहुत ही बेहतरीन और होने वाला है। आपको पूरा मॉडल आज हम डिस्क्राइब करेंगे, इसका 2D प्लान और 3D बोथ। तो ये जो 15x40 फिट में ये ऑन डिमांडिंग डिजाइन क्रिएट किया गया है। साथ साथ यहाँ पर जो टेक्सचर दिया है गया है वो ईंटों का ही टेक्सचर है, क्योंकि और पूरा पिलर वगैरह सारा यहाँ पर इंक्लूड है। यहाँ पर अगर आप बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो वो भी आप इसके पूरा फाउंडेशन बनाया तो आप इसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। इसी मॉडल को डिफाइन करेंगे तो बने स्टूडियो में लगातार मैं हूँ कौन झागड़ो और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, रेड कलर का बटन आपको शो हो रहा होगा उस पर क्लिक करके आप उनसे जुड़ सकते हैं। साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुँचते रहें। तो आज का जो प्लान है 15x40 फिट का, ये आज हम डिफाइन करेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्लर्स वगैरह सब कुछ पहले से बना है और 3 साइड क्लोज्ड है, मतलब तीनों साइड से ये क्लोज्ड है और सिर्फ फ्रंट से ही ओपन है। और यहाँ पर जो आप आगे एक देख रहे हैं कि प्लांट टाइप के, इसको भी इंक्लूड किया है मैंने यहाँ पर। ये इसका मेन डोर है, ये विंडो है और फ्रंट में आपका यहाँ पर रोड है, इस स्लोप से आप अंदर जाएंगे। तो अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये देखिएगा आप प्रॉपर तरीके से। ये यहाँ पर एक विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, ये मेन डोर है और ये देखिएगा आगे लगभग 3 फिट आगे निकला है। इसका कारण क्या मैं बताऊँगा, जैसे मेन डोर से एंट्री करते हैं तो ये देखिएगा ओवरऑल ये गैलरी जो है लगभग 6 फिट का है। इसमें 6 फिट में ये 3 फिट चढ़ने के लिए टर्न होकर फिर से वापस आएंगे। तो ये जो डोर मैंने दिया है ये लगभग आप सिर्फ 4 फिट का ही दें, क्योंकि इसी के नीचे से ही एंट्री करनी होगी आपको, जीने के नीचे ही। और ये जीना थोड़ा सा आपका 3 फिट बाहर, जहाँ से मोड़ है वो आपका बाहर है, मतलब 40 फिट से 3 फिट एक्स्ट्रा बना दिया है, जिससे ऊपर हाइट हो जाएगी और प्रॉपर आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। तो आप इस मेन डोर से एंट्री करते हो तो सबसे पहले आप एक हॉल में एंट्री कर जाते हैं। आगे पार्किंग मैंने रखा है, जैसे बाइक वगैरह है कुछ भी, तो आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। इसके बाद गैलरी है जहाँ से आप पीछे जाएंगे। इसके बाद ये आपको पहला बेडरूम मिलता है, इस बेडरूम में पार्किंग की तरफ से विंडो है, गैलरी से एक डोर दिया हुआ है। तो ये एक पहला पार्किंग, फिर एक बेडरूम, फिर इसके बाद जैसे आप पीछे जाते हैं तो ये आपको इस कॉर्नर पर एक बेडरूम और मिल जाता है देखने को। ये देखिएगा बेडरूम है, ये आपका किचन एरिया है, ये लेटेंट बाथ एरिया है। तो अगर 15x40 की बात करें तो यहाँ पर 2 बेडरूम और लेट बाथ, किचन, गैलरी और आगे आपको पार्किंग एरिया मिल जाता है। आप इस पार्किंग एरिया को एज आ रूम भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एज आ रूम इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन इसे ओपन रहने दें, ऐसा आप पूरा आपका बहुत ही बेहतरीन देखने वाला है। तो 2 बेडरूम के साथ किचन लेट बाथ 15x40 फिट में आपको बंद कर दिया हो जाता है। तो ये देखिएगा प्रॉपर प्लानिंग आप टेक्सचर वगैरह वो मैंने दिया है। ये तो ग्राउंड फ्लोर, अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका देखिए फर्स्ट फ्लोर है। जैसे ऊपर आएंगे तो स्टेयर्स को पूरा ढक दिया, जीने को ढक दिया, गुमटी इसी पर बना सकते हैं। जो पिलर यहाँ आपके बने हुए हैं वो देखिए, सारे पिलर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर शो कर रखे, उसमें ब्लैक कलर का जो सरिया ऊपर निकला रहता दूसरे फाउंडेशन के लिए वो भी छोड़ रखा है। तो ये आप इससे एंट्री आप आ जाते हैं ऊपर, आप चाहे सेम टू सेम जैसा नीचे प्लान ऐसा ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया विंडो वाला, ये आप 3rd फ्लोर पर ले जा सकते हैं या 2nd फ्लोर पर ले जा सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू और आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आप कितना घर बनवाना चाहते हैं। रेलिंग की बात करें तो रेलिंग मैंने डायरेक्ट वहीं पर दी है, तो आपको बहुत ही नॉर्मल सी रेलिंग है। और लास्ट में ये इस पर छत, जो गुमटी था उस पर छत मैंने स्क्वायर में क्रिएट कर दी है। तो 15x45 फिट में बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, अगर आपका कोई भी डाउट है तो कन्फर्म कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।